पूरी दुनिया में जितने भी धर्म गुरुओं ने सभी को खुली चुनौती दे रखी है कि आप आइए और मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। तो क्या किसी भी धर्म गुरु ने, किसी भी मंडलेश्वर ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी धर्मगुरु ने उनकी खुली चुनौती को स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे गुरुजी ने खुली चुनौती दी थी कि आइए मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। इस दुनिया के अंदर जितने भी महामंडलेश्वर हैं और जो पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, सभी को बोला था कि आप आइए, अगर आपका ज्ञान सही है, अगर धर्म ग्रंथों के अनुसार सही है, तो मैं आपका अधीन हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा ज्ञान सही है, संत रामपाल जी महाराज ने ये चीज़ बोली थी कि अगर मेरा बताया हुआ ज्ञान सही है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मानना पड़ेगा। दर्शकों स्वयं देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के माननीय चारों शंकराचार्य को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निमंत्रण। आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा संत है जो हर धर्म गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की खुली चुनौती देने का साहस रखता है? कौन है वो संत जो धर्म ग्रंथों के वास्तविक ज्ञान को जनता के सामने लाकर रखता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की, जिनके शिष्यों का दावा है कि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि यदि इनके पास ज्ञान होता तो ये संत रामपाल जी की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की चुनौती को स्वीकार करते। तो चलिए जानते हैं संत रामपाल जी के शिष्यों के इस दावे में कितनी सच्चाई है। मैडम क्या नाम है आपका? प्रियंका गुर्जर। कहाँ से आए हो? गंगापुर सिटी, राजस्थान से। आपसे जानना चाहेंगे कि सभी धर्मगुरुओं को खुली चुनौती देने वाला संत कौन है? संत रामपाल जी महाराज है मैडम, ये सवाल तो आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आए दिन आप न्यूज चैनल्स में और सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके का ज्ञान बताते हैं, उस तरीके का ज्ञान कोई भी नहीं बताता है। तो संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे विश्व भर को, सिर्फ भारत ही नहीं।